नगर निगम सोलन पर कांग्रेस का कब्जा है। चुनावों के दौरान कांग्रेस भारी बहुमत से जीती है। इस बात की जिम्मेवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के द्वारा सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा को सौंपी गई थी। राजेंद्र राणा ने सबसे पहले टिकट का आवंटन सभी की सहमति से किया, जिसकी वजह से चुनावों में पार्टी ने एकजुटता दिखाई और यही वजह है कि कांग्रेस ने नगर निगम में जीत हासिल की है। भाजपा ने हार के बाद भी हार नहीं मानी थी और वहां कांग्रेस पार्षदों से संपर्क में रही और जोड़ तोड़ करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सभी पार्षदों के सहयोग से मेयर व डिप्टी मेयर के पद का कार्यकाल हिसाब से बांटकर विरोध की चिंगारी को शांत कर लिया है। सूत्रों की माने तो यह निर्णय सहमति से नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब ज्यादातर पार्षद चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा से दूरी बनाए हुए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजेंद्र राणा ने अपने सोलन दौरे के दौरान 17 वार्डों के प्रत्याशियों को बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में केवल 4 पार्षद ही शामिल हुए। विधायक राजेंद्र राणा ने इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस के नेता और स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल ने भी उनसे दूरी बनाए रखने का पता चला है। इस बैठक की उन्हें भी जानकारी नहीं थी। पार्षदों के रवैये से विधायक राजेंद्र राणा आहत भी दिखे। उन्होंने इसको लेकर कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अपना दिल भी हल्का किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजेंद्र राणा इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।